आज सुनना, आज मैंने सुबह में तेरी वो वीडियो देखी यार, मैं सही में इतना आसा, वो मैंने बहुत बार देखी हुई है। आज हिजड़ी दिन है फ्रेंड्स, हिजड़ी को रिस्पेक्ट दो, हिजड़ी अच्छी होती है, पूरी मत। मेरा एक फ्रेंड बोबो गोदरेज, वो एक हम उसको हिज्जी दीदी के नाम से जानते हैं। हिज्जी दीदी को मैंने जब केक दिया तो हिज्जी दीदी मुझे गले लगा के बहुत रो गए, रोई। रंडी और हिज्जी बहुत अच्छे होते हैं, बूढ़े मत होते हैं। अरे क्या वीडियो सेम है यार, वो बहुत ही गजब वीडियो है वो। अरे दीपक भाई, तुमने वो वीडियो कहाँ पे देखी? अरे मैंने YouTube पे सर्च की दीपक कला हिज्जी दीदी। मैंने वो वीडियो YouTube में देखी, बहुत ही बढ़िया वीडियो है यार वो। हाँ सुन बे ओ, सुनो साले, हाँ इसको बोल रहा हूँ साले काले कलूटे, सुन अब तू। तू कल क्या बोल रहा था दीपक को? क्या दीपक को कल तू ये बोल रहा था कि तू कौन से बड़े सेलिब्रिटी को जानता है? भाई मेरी बात सुनो, इसे मेरी बात सुनो, अगर बात करनी है तो गाली मत दो यार, लेडीज भी है वो भी है। अगर 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 बातों से लड़ना है ना तो बातों से लड़ो, इन्हें किंग बताया गया है। मैं सही तो कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम का जो किंग है, मुझे किसी बॉलीवुड स्टार के साथ लाइव आके दिखा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ लाइव आके दिखा देंगे। तेरी जो लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि तू उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से है, सच बता तू सहारनपुर से? अरे भाई लैंग्वेज से। और मेरी बात सुन, तू जो ये कहता रहता है कि पूरा सिस्टम हिला देंगे, आज तक तेरा खुद से नहीं हिला तो सिस्टम कहां से हिल जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। अब सुन, अब तूने पहले मुझे ये रिक्वेस्ट की कि लाइव में गाली गलौज नहीं करनी है, तो हाँ, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे फैमिली वाले लिए लाइव है। और मेरे भाई एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक सेकंड जरा बोलना, कल से लेके अब तक ये गाली गलौज ही कर रहे हैं, मैंने एक भी बार गाली नहीं दी, पूछो इनसे, सिर्फ मैंने जवान से बात करी है भाई। मुझे पता है तू साले दो कौड़ी के, तू दूध का घोला हुआ है। अरे भाई मैं दो कौड़ी का हूँ, मेरे बात सुन, मैं दो कौड़ी का हूँ। आप जो गाली गलौज करेगा, जिसके पास कोई कॉमेडी नहीं है करने के लिए, ना जिसके पास कोई एक्टिंग है, वो गाली ही दे सकता है और गाली गलौज कर सकता है। दम है तो कॉमेडी करके दिखाओ, दम है तो। सच बताइयो, इनकी पर्सनैलिटी तुझे कैसी लगी? भाई मेरे को इनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया लगी, मेरी इनसे कोई बात नहीं है, ना मेरी तुमसे कोई बात नहीं है, तुमसे भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हें किंग बनाया है भाई के जो डोले शोले है तुझे कैसे लगे? सुन पुनीत भाई, इसको जरा तुम्हारे डोले दिखाओ तो जरा। अरे तो एक बार बताओ, डोले से उससे मुझे क्या करना है उनके डोले? मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया हो, डबल डोले हो। मैं तो यहाँ बात करने आया हूँ कि आपको किंग बताया गया है, तो किंग का कोई मुझे आंसर भी दो, किस बात के किंग लाइव आ सकते हो किसी बॉलीवुड स्टार के साथ? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ सुन, मेरी बात सुन अब तू। हाँ देख, आए तो थी जैसे तू भाई, तू वो कौन है? वो कौन है? वो कोई स्टार नहीं है, मेरी बात सुनो, वेरीफाइड अकाउंट वाले। अरे मेरी बात सुनो, वेरीफाइड अकाउंट वाले ना, मेरी बात सुनो एक मिनट, वेरीफाइड अकाउंट वाले। मैं तेरी ये बात सुन चुका हूँ, 10-10 हजार रुपए लोग अपना वेरीफाइड अकाउंट। अब कुछ तू नई बात करेगा या अपनी पुरानी? नई बात मैं यही करने आया हूँ कि मेरी कल बात का पूरा जवाब दिया, उन्होंने मेरे को रिमूव कर दिया लाइव से, ये मुझे किसी। अब सुन, तेरे दो क्वेश्चन है, ये बंदा दीपक कलाल वो सेलिब्रिटी को लाइव पे बुला है, ठीक है ना? दूसरा तेरा क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सी सिस्टम फाड़ के रखी है, तेरे दो क्वेश्चन है। अब भी सोच ले, तेरे दो ही क्वेश्चन है या तुझे और कुछ ज्यादा पूछना है? बिल्कुल मेरा दो ही क्वेश्चन है दिल्ली में। ओके दिल्ली अब मैंने अब सुन अब मैंने उस क्वेश्चन के तुझे सही जवाब दिए, ठीक है? तो तू लाइव में सभी के सामने तू कोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? तू पूरी लाइव में आनंद यार ये लोग अगर चाहेंगे ना, कोई बात नहीं,
तेरे अरे तेरे घर में आके तेरे को दो चम्मच दे सकते वीडियो बना सकते मेरे बात का तू मेरी बात का जवाब देना बहस वाली क्यों कर रहा है गाली गलौज क्यों कर रहा है मैं वही इज्जत से जवाब देना सेलिब्रिटी बन रहा है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए हाँ तो मैं तुझे यही बोल रहा हूँ कि मैं तुझे अगर जवाब दूंगा तो तू सबके सामने कोड़ा बनेगा कि नहीं बनूंगा कोड़ा बनूंगा कोड़ा बनाओ क्या ठीक है ना अब सुन मेरी बात सुनो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए मैंने इनको बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ लाइवाने के लिए बोला है मैं तुझे सुन तू दो कौड़ी के चश्मे लगा के पटर 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 यार सुन तो ले इसकी भी तो सुन ले पहले बात तो सुन ठीक है ठीक है सुन कॉमेडी है साले ये कॉमेडी है ये चिल्लाना साले कॉमेडी है ये चिल्लाना कॉमेडी है गाली गलौज कॉमेडी है भाई मेरी बात सुनो गाली गलौज तो गाली गलौज तो भैया साले तो ये साले चिल्लाना कॉमेडी भाई क्या हुआ गांड में क्या नहीं अरे नहीं ये गाली गलौज कॉमेडी है ये गाली गलौज कॉमेडी है कोई मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ मैंने क्या गाली दी तुझे हाँ तो बात करो ना मुझसे बात करो मेरी बातों का जवाब दो मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ मेरी बातों का जवाब दो मैंने तुझे ये पूछा कि तू गरीब है तो तू साले पैदा हो भाई चलो ठीक है मेरी बात सुनो मैं गरीब हूँ ये अपने आप को नेता बन रहे हैं सिस्टम इलाज करवा दो ना मेरे हाँ तो वो बनेगा नेता पचास उसके पास ठोक के पैसा है अरे उसके पास ठोक के पैसा है वो बनेगा नेता अरे सुनो तो भाई पचास रुपए लीटर पेट्रोल करवा दो ना दीपक भाई को बोल रहे जो कह रहे हैं सिस्टम मिला दिया हरियाणा में अब तू फिर से साला गरीबी पे आ गया अरे तो कोई मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मैं गरीब हूँ मैं तो खुद ही कह रहा हूँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं मैं तो नल्ला हूँ मैं तो मेरी बात सुनो मैं तो नल्ला हूँ मैं तो बेरोजगार हूँ मैं तो बेहूँ मैं तो दिशा में तो आज से जवाब पूछ रहा हूँ मेरे को तो कुछ भी कह रहे हो तो तू साले मर क्यों नहीं गया अरे तो एक बार बना तुम्हारे कहने से थोड़ी बार ये तो बात से जवाब ही नहीं हुआ ये तो तुम कहीं और जा रहे हो इस लाइन से पकड़ के उस लाइन पे जा रहे हो मेरी बात का जवाब दो अच्छा ठीक है चल मैं तुझे पेट्रोल सस्ता करके दूंगा तू मेरा लंड चूसेगा बता अरे मेरे बात तेरा है ही नहीं तो ये है तेरा है ही नहीं अबे तू मीठा है तेरा है ही नहीं तेरा तेरा है ही नहीं तू मेरी गांड पिएगा तू शक्ल से तू शक्ल से ये लगता है तेरा है ही नहीं कहाँ है तेरा कहाँ यही काम करेगा तू तू जब तेरे से कुछ नहीं होता ना मेरी बात सुन जब तेरे से कुछ नहीं होता ना तो तू गाली गलौज को उतराता है माँ की बहन की लाइन में जब तेरे बच्चे ही नहीं है तो तू गाली देगा गाली तो पांच साल का बच्चा ले लेता है गाली तो पांच और सुन गाली तो पांच साल का बच्चा भी ले लेना और सुन तेरे बस की है ना तेरे बस की है किसी सरकारी अफसर को गाली देके दिखा फेस टू फेस किसी लेडीज को गाली देके दिखा फेस टू फेस तब तुझे बताएगी लाइव में बैठ के तू गाली देगा और क्या करेगा अरे भाई सुन तो ले काहे को इतना हाइपर क्यों हो रहा तू टेंशन दे रहा है इतनी बता क्या बात होगी भाई मैं हाइपर नहीं हो रहा ना हो रहा मेरी बात सुनो गाली तो तुम क्यों दे रहा मैं तो सुन रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तो इसकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना तो ये मुझे बॉलीवुड मेरी बात सुनो ना तो ये मुझे बॉलीवुड स्टार के साथ लाइव आकर दिखा रहा सिंह बता रहा है और इसने हरियाणा में सिस्टम मिला दिया हरियाणा में करा क्या है इसने चोर बजा जूता है अमेरिकन से पंगा लेगा तू साले कुत्ते ले मुंह में ले पूरा अंदर तक साले पटेल चिल्लाई जाएगा तू तो भाई फिर तुम्हारे पर बढ़िया गाड़ी गलत से बढ़िया गाड़ी गलत से बढ़िया इससे कुछ नहीं होता कोई फायदा नहीं है यार कोई फायदा नहीं इससे सुन एक बार दिखे पिछवाड़ा ऐसे दिखाइयो अपना पिछवाड़ा दिखाइयो अरे अरे कोई फायदा नहीं है इससे कोई फायदा नहीं है इससे ये करने से यादा यही काम करोगे तुम पिछवाड़ा और यही देखोगे और क्या करोगे तुम्हारे मेरी बात सुनो तुम तीन सुन सुन अरे सुनो ना तो तुम
बहुत बढ़िया बात, यही करेगा तू गाली सुने बाता, तूने अपनी जिंदगी में भाई तूने अपनी जिंदगी में गाली देने के अलावा किया क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। गाली 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 देने के, गाली देने के अलावा कराई क्या, अरे ये है ही नहीं यार, क्या है ये मेरे। ओके तो तेरी औकात क्या है रे? अरे मैं भाई मेरा सवाल है, जवाब दे दो ना तुम। अरे तू सुन ही नहीं रहा है, तो फिर तुझे कहां से? अरे कब तक गाली दोगे भाई, कब तक गाली दोगे? एक घंटा दो घंटा तीन घंटा तुझे गाली दी नहीं, अब तू सुन ही नहीं रहा है, तो तुझे आंसर कैसे दे वो बता। तो एक बार तुमने जवाब दिया, तुमने बोला मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने जवाब दिया। तूने मुझे बोलने दिया, तूने मुझे बोलने दिया भाई। इन्होंने सिस्टम मिला रखा है हरियाणा में, मुझे बताओ करा क्या है। सुन तेरे पे दो ही बात है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई दो बातों का जवाब दे दो ना, दो बातों का जवाब दे दो, दो बातों का जवाब दे दो, मेरे बात सुनो, दो बातों का जवाब दे दो, मैं माफी मांग लेता हूँ। भाई चलो भाई, बहुत दो बातों का जवाब मिल रहा है, पटेल भाई जवाब दे दो। ओके भाई देखते, तूने कितने बोले, तेरे कितने फॉलोवर्स थे टिकटॉक में? अरे यार मेरा 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 कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जीरो हूँ, मैं तो नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ। सुन नल्ला हूँ मैं। सुन तुझे पता है पूरे इंडिया में हर रोज कितने सारे लोग अपने काम से टेंशन में होते हैं, कितने सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है? वो साले सुन मेरी बात सुन, वो सारी चीजें तुझे पता है? बिल्कुल मालूम है। तुझे क्या घंटा पता होगा, तू साले वहाँ पे ठेली निकालता है और तुझे क्या पता होगा? अरे अरे भाई गाली गलौज से होगा क्या, एक बार बताओ होगा क्या? मैं गाली नहीं बोला, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। कितने लोग सारे दीपक की वीडियोस को देखे, कितने सारे लोग, कितने सारे लोग इंडिया में दीपक की वीडियोस लाइव देखे, लाइव तुझे देखे। तुझे पता है कितने सारे मेरे बात सुनो, मेरी बात सुन, कितने सारे लोग अपने जीने का तरीका चेंज कर देते हैं, वो बात पता है तुझे? हाँ क्या क्या तरीका? तो मैंने पूछा क्या है, मेरा पूछा क्या, मेरा बोला क्या? तू तो हीरो की बात कर रहा है ना। हाँ? जो बंदा अगर किसी की लाइफ का तरीका चेंज कर देता है तो वो साले हीरो से कम होता है क्या, बता तू मुझे? यार ये बात, तो फिर तू मुझे चोपड़ा है तो नीरज चोपड़ा भाई ने कहा कि दीपक के वीडियोस देखकर मैं खुश हुआ, मुझे जोश आया और मैंने मेडल जीता। ये एक बार मेरे वीडियो जाके देखो तुम। अरे मेरे हाँ तो देखो अरे हाँ भाई, ऐसी करता हूँ, जाके देखो, दीपक भाई से अच्छी कॉमेडी है। सुन दीपक भाई से अच्छी कॉमेडी। दूसरी बात बताता हूँ, तो हीरो की बात कर रहा है ना, तुझे पता है दीपक अमेरिका में कितना फेमस है, वो तुझे पता है? तो यार एक बार मैं अमेरिका की बात तो कर ही नहीं रहा ना, मैंने तो एक बार बता, तो तू बोल नहीं, कब से तू भौके जा रहा है, कब से तू बोले जा रहा है कि दीपक कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी है, दीपक क्या है, दीपक कौन नहीं है? तो तू अब मुझे ये बता, अगर बंदे के अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो वो ऐसे ही सभी जगह पूरे दुनिया में वो वायरल हो गया? कैसे भाई मेरे बात सुनो, नहीं तू बोलता है कि उसकी वीडियो में कोई कॉमेडी नहीं होती है, तू कब से बोल रहा है, तो उसको पब्लिक ऐसे ही फॉलो कर रही है, सब पागल हो गए भाई। अब मेरे बात सुनो, तुम तीन तीन चार कर रहे हो, चार चार जने अकेले में चढ़ रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो, तो उससे फायदा क्या है? तो तुझे इसलिए तो बुला है इधर, तो भाई इसलिए। और मेरी बात सुनो, फिर भी तुम गाली देके क्या कर रहे हो मेरा भाई? पुनीत भाई एक मिनट तो सुनो, एक मिनट सुन लो, अब चुप हो थोड़ी सी। यू तो स्टार है, तू तो सुपरस्टार है, क्यों टेंशन दे रहा है? अब देख सुन, 7,000 लोगों के सामने तू सुपरस्टार है, बात खत्म, क्यों टेंशन ले रहा है इतनी? अपने भाई बिल्कुल भाई, क्या कह रहे हो? आसपास के मंदिर है, मंदिर बिल्कुल है भाई। मैं बताऊं तो कॉमेडी छोड़ तो बाबा बन जा, सोच रहे माता भी नहीं करता।
चलो भाई भाई मैं भाई अगर आप बोलोगे तो मैं भाई बन जाऊंगा, जैसा बोलोगे वैसा बन जाऊंगा मैं। भाई है अपना, सुन मेरी बात, तू भी अपना भाई है, तू अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, ये भाई अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, वो भाई अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। सुनो भाई तुझे एक बात बोल, तू बहुत ही खुश, सुन सुन तेरे, तूने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कुछ काम किए रहेंगे, इसलिए तू साले आ जाए ना, ये सब मिलियन और के बीच में तू आज बैठा है लाइफ पे। अरे के मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो, मुंबई के अंदर मुंबई के, अरे मेरे बात सुनो, आप जो मिलियन की बात कर रहे हो ना, अरे सुनो तो भाई, मैं आपकी बात करते हुए मेरा मेरी बात सुनो, मैं आपको गलत नहीं बोला, मैं आपकी जवाब का दे रहा हूँ। मिलियन के स्टार की बात कर रहे हो ना आप, मुंबई के और दिल्ली के 90% स्टार देख रहे ना रील्स के, जिनके 8-8 लाख फॉलोवर है, सबने फॉलो कर रखा है, अदनान मेरा दोस्त है, फैजू मेरा दोस्त है, मेरी प्रोफाइल खोल के देख लेना और उनके बायो में चले जाना, जितने भी दिल्ली के स्टार है सब दोस्त है और सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और टिकटॉक पे ना, टिकटॉक पे 55,000 वीडियो डालती है अकेले। अब मैं तुझसे बात, अब मैं तुझसे बात क्या कर रहा हूँ, तू बात को कहाँ भाई, तुम्ही बोल रहे हो, तुम्ही बोल रहे हो कि भाई ये तो मिलियन में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार कोई नहीं है, सारे बेरोजगार हैं यहाँ पे, सारे बेरोजगार। साले पागल आदमी, मैं ये नहीं बोल रहा, हमारे मिलियन फॉलोवर है, हम मैं ऐसा बोला कि वी गाइस आर मिलियनर, अभी हम लोग बहुत ही अमीर लोग है, तू तूने कुछ अच्छे काम किए होगे कि तू इस लाइफ पे अभी बैठा है। तो ठीक है आप अमीर हो ना, मेरी बात सुनो, आप अमीर हो ना, मैं तो पीछे अपना पेटीएम नंबर छोड़ रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपए पेटीएम कर दो, अमीर हो तो मेरी बात तो सुन कितनी दूर है तेरे पास ईडीएम वाले, जो मेरे पास मेरे घर के पास ही है, 10,000 रुपए मैं भिजवा रहा हूँ, आएगा लेने क्या चीज भाई, पेटीएम करो ना, पेटीएम करो भाई, मैं कह रही मेरे बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, अरे फिर भाई मैं तो तुम्हें गलत कह रही, तुमने अमीर बताया तो डाल दो, दीपक भाई भी तो पेटीएम ही करवाते हैं, सोचते दीपक भाई भी तो ऑनलाइन लेते, ये कौन सा आते हैं, अरे भाई तो ये कौन सा आजकल कौन जा रहा है लेने के लिए, आजकल कौन जा रहा है लेने के लिए, ऑनलाइन का जमाना है आजकल, डिजिटल जमाना है, क्या चीज, चल ठीक, चल ठीक, खड़े होकर हाँ बिल्कुल, वो भी तो भाई ऑनलाइन डाल दो, मैं आ जाऊंगा, पहले डाल दो मैं आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है, सुन 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 सुन, पैसे देंगे तभी आएगा, बिना पैसे के नहीं मिलेगा हमसे भाई, पेट्रोल का खर्चा मैंने बताया ना, मैं मल्ला बेरोजगार गरीब हूँ, पेट्रोल का पेट्रोल लगा तेरा खर्चा होता है, तो खराब होगी दिहाड़ी, खराब करके आऊंगा एक बार तो, आज की डेट में मजदूर भी दिहाड़ी खराब होगी, चलो ज्यादा नहीं, 2,000 रुपए कर दो, 2,000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत ना, हम आ जाएंगे, तो देना तू मत करता भाई, भाई बेरा ना बेरोजगार, मतलब भाई ने बताया ना कि तू गरीब है, बेरोजगार है, मतलब भाई की छोड़, तू बताना क्या करता है भाई, मैं कुछ नहीं करता भाई, मेरे पे काम ही नहीं है कोई, मेरे पे भाई मैं खाली हूँ, मेरे पे काम ही नहीं है, मैं डर के रात के पता पटेल भाई, मजाक सेट के पता क्या भाई, आपकी कसम खाई बता रहा हूँ, रात का टाइम में बत्ती चल रही है, मेरे पे कोई काम ही नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, खाली हूँ, मैं आनंद विहार में कहाँ रहता है भाई, वही आनंद विहार के पास ही रहता हूँ मैं भाई, अरे तो कोई जगह नाम तो होगा पर्टिकुलर, अरे भाई आनंद विहार पे आके फोन कर लेना ना, मत मुझे बस आनंद विहार के पास आके फोन कर लेना, वहाँ पे आके मिल लेंगे, आपसे क्या दिक्कत हो रही है, ईडीएम मॉल में मिलते हैं कल भाई दोनों, ईडीएम मॉल, बिल्कुल हाँ, सुन सुन पुनीत सुनो, दो कौड़ी के मैं तुझे फिर भाई गाली करो, भाई मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो, लेडीज ने देखती है अपना तो देखो, अरे मेरी बात तो सुन, मैं गाली नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे पेटीएम में 5,000 रुपीज में तुझे बेचता हूँ पक्का, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पैसे लेने से पहले तुझे काम करना पड़ेगा, करेगा कि पैसे लेगा तो किसी काम का हुई नहीं, मैं बताऊँ आपको सच्चाई तो, नहीं नहीं तू मेरी बात तो सुन ले, भाई जब मैं कोई काम करता ही नहीं, जब मेरे पास की कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ढीला डाल रहा हूँ, खत्म हूँ मैं, एक काम कर, ईडीएम मॉल के बाहर
चटाई और तेल लेके बैठ जाएगा भाई जब मेरे बात यार फिर यार ये तो देखो पुनीत भाई ये तो कोई बात नहीं चटाई के लिए इतनी देर से यही बात हो रही है। मुझे एक बात बता, तू कुछ नहीं कर सकता, एक कोड़ा खड़ा बैठ सकता है, तेरी गौंड मार मार के लोग पैसे देंगे। तूने करके देखा है ये बार बता, अब तू गाली दे रहे बता, आज तक गाली के देवा कुछ किया है, कॉमेडी की है आज तक गाली के मुझे पुनीत में ये मेरी बात सुन भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरे से बात करो, मैं ये कह रहा हूँ बात कर लो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोलूंगा वो तू कर पाएगा, सुन मैं जो बोलूंगा वो तू कर पाएगा, तू पक्का कर पाएगा, मैं तुझे भाई मेरी बात सुनो, अरे मैं दिखा रही हूँ मेरी बात सुनो, अरे भिखारी पुनीत एक मिनट पटेल भाई की बात तो सुन मैं तुझे ये बोलता हूँ कि मैं तुझे 5000 रुपीज में देता हूँ, मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मेरा दिमाग मत सटकाओ, मुझे गाली देने पे मजबूर मत, अरे भाई तो बोलता हूँ, हाँ मुझे बोलने दे पहले, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुझे एक ही काम करना है, जब मैं ऐसा बोल, एक ही काम करना है, तो ऐसा बोल कि दीपक सर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा टट्टा हूँ और मैं तुम्हारा माल भी पी तो ये बदतमीजी और गाली गलौजी तो हो गई, ये तो बदतमीजी और गाली गलौजी, अरे साले इसमें क्या गाली गलौजी, भाई मेरी बात करो, ये तो फिर बदतमीजी हो गई, ये तो जवाब नहीं हुआ, सवाल नहीं हुआ, देखो तो तुझे साले तो मुफ्त में, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं दिखा रही हूँ, तुमने बोला मैं अमीर हूँ, तो मैंने भाई दीख दे दो, 1000-2000 में देख सकते हो, काटे लेकिन इसके बाल लग रहे झाड़े, सुन भाई चश्मे वाले भाई, मैं तुझे लोगों की बात नहीं बोलूंगा, मैं तुझे मेरे खुद की बात बोलूंगा, ठीक है ना, सुन मेरी बात, मैं तुझे लोगों की बात नहीं बोलूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मेरा ब्रेकअप जब हुआ था 2018 में, मैं भैया ना मैं सुनो वो चश्मे वाले, मैं इतना डिप्रेशन में था, मैं 2 महीने तक मैं अस्पताल में था, कितने 2 महीने तक, उसी टाइम पे मैंने दीपक की वीडियोस देखी, दीपक को मैंने फॉलो करना शुरू किया और मैं डिप्रेशन में से मैं बाहर आया, तो तू मुझे ये बता, ये छोटी बात होती है, तू मुझे ये बता, ये छोटी बात है, नहीं भाई बहुत बड़ी बात, ये बंदा न्यूयॉर्क में रहता है, इसने मुझे मैसेज किया कि मैं हॉस्पिटल में था और दीपक सर आपने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, और ये मम्मी की कसम मेरे पास वो मैसेज है, अभी तक न्यूयॉर्क में रहता ही है, अभी ये मेरे लिए छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है पटेल भाई, तो भाई देख ये देख, तो बहुत सारे लोग हो गए इंडिया में भाई, पटेल भाई इसका, अरे तेरा 800-900 रुपए वाला फोन बज रहा है, वो उठा लेगा, देखो आ रहा है, वो मुझे इरिटेट कर रहा है, हेलो हेलो, ये मुझे सुनो चश्मे वाले भैया, सुनो मेरी बात, मुझे अरे यार गाले फोन यार गाले यार गाली मत दो, क्योंकि लेडी से देखती है ना, रिक्वेस्ट और कुछ भी बोल लो, गाली कहाँ दे रहा है यार, मैं गाली बोला ही नहीं, बंद कर दे फोन, बंद कर दे पहले फोन, बंद कर दे, ऐसा बोल रहा हूँ, सुनो फोन बंद कर, मुझे ये सवाल पूछना था, मैंने बहुत गूगल किया लेकिन मैंने वो चीज आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया, कि समझो कि अगर आपको बहुत भूख लगती है, ठीक है, और आपको 5-6 दिन तक अगर आपको खाना नहीं मिलता है, तो वो 5-6 डेज में आप करते क्या हो, क्या जुगाड़ क्या होता है आपका, ये गू खाता है, गू लोगों का गू खाता है ये, तो इससे, अरे ये मेरे बात सुना दीपक भाई, ये चीजें बहुत सुन चुके हैं लोग, पक गए इससे, ये गू हो गया, ये पिछवाड़ा हो गया, ये लोग थक गए बोल बोल के, कुछ नया लाओ यार, कुछ नया बोलो, नया नया है ना पेचिस, अरे जितनी बार भी बोला गाली दी और भी देते रहो, तो भैया मैं तो बैठा यार, नहीं ये मेरा बहुत ही जेन्युइन, पुनीत भाई बोलो, पुनीत भाई हंसी मजाक है ये, दिल पे मत लेना, अरे नहीं भाई लोगे तुम्हें पता है जब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अरे भाई क्योंकि दीपक भाई लॉस एंजलिस में बैठा है,
भाई पनौड़ी पनौड़ी भाई अपना वहाँ बैठा है न्यूयॉर्क में, तो इनका तो कुछ कर नहीं। अरे भाई अरे 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 भाई मैं मुझे कुछ नहीं करना, जरा इसको पैसा दिखाओ ना प्लीज, इसको जरा तुम्हारा दिखाओ तो पैसा देख ले भाई, भाई के पास पैसा देख ले, ये देख वादर तो गरीब इंसान, नजर मत लगाइयो। अरे मेरे बात सुनो, वही वाले बात है, आजकल पैसा पैसे की कोई वैल्यू नहीं, बहुत धक्के खा रहे हैं पैसे, रिक्शे वालों के पास भी आजकल 10-20 लाख रुपए है, रिक्शे वालों के पास भी 10-20 लाख। तेरे दौरे क्यों नहीं है फिर? अरे भाई तो मैं तो अरे तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भाई, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो खुद ही, मैं तो दो बार ही बताऊँ, ये दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो खुद ही गरीब हूँ। लौट रहा है तू, देख देख ये बैड किसका है, ये देख, ये देख थपेड़े लग रहे हैं नोटों के, डॉलरों के थपेड़े, ये देख है क्या पी। अरे भाई अरे कोई फायदा नहीं है भाई, मेरी बात सुनो, लक्ष्मी है रख लो, कहीं ऐसा ना हो कल को बुरा मान जाए तो ये भी आपसे खिसक जाए। अरे हाँ, साले दे ही नहीं, मेरे बात सुनो, लक्ष्मी है इसको पटको मत भाई, अच्छी बात भाई, भाई होने के नाते समझा रहा हूँ।